दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आया हूं, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी है और बहुत से लोगों को नहीं पता। दोस्तों भारत सरकार ने एक नई लॉन्च की है एक योजना जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। जी हाँ दोस्तों, इस योजना का काफ़ी समय से इंतजार हो रहा है और इस बजट सेशन के अंदर काफ़ी हद तक इस योजना को पास करने की जो है वो मंजूरी भी दे दी गई है और एक दो दिन के अंदर ये योजना जो है पूरे भारत में लॉन्च हो जाएगी। और इस योजना के अंतर्गत क्या होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो भी हमारे भारतीय गरीब परिवार हैं या आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं, जो कभी बीमार हो जाते थे और पहले आपको पता है कि बीमारियों का खर्चा इतना हो जाता है, जब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो कितना खर्चा हो जाता है उनका, तो बस इसी को दूर नज़र में रखते हुए भारत सरकार ने एक ये योजना लॉन्च करी है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना। और इस योजना में देखिए लोगों के अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि वो किस तरह से इस योजना का लाभ ले सकते हैं, किस तरह से वो इस योजना में अप्लाई कर सकते हैं या इस योजना का मकसद क्या है। तो दोस्तों इस योजना के अंदर जो भी हमारे आर्थिक और शारीरिक कमजोर जो लोग हैं जो हमारे समाज में, तो उनको यहाँ पर 5 लाख रुपये तक का लाभ दिया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपये तक कि उनको मदद की जाएगी अगर कभी भी उनको किसी बीमारी अवस्था में अस्पताल के अंदर एडमिट होना पड़ता है या उन्हें कभी किसी तरह की कोई परेशानी होती है और उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन या हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, तो सरकार की तरफ से उनको इलाज किया जाएगा, यानी कि 5 लाख रुपये तक का जो भी उनका इलाज का खर्चा होगा वो सरकार करवाएगी। अब इसके अंदर लोग जानना चाहते हैं कि कौन लोग होंगे वो और कैसे उनको पता चलेगा कि वो लोग हैं या नहीं हैं इसके अंदर, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो 2011 की जो जनगणना लिस्ट थी, जो 2011 में जनगणना सर्वे हुआ था जिसके अंदर आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर लोग पाए गए हैं उनको इस योजना के अंदर सीधे सीधे शामिल कर लिया जाएगा। अभी इस योजना के अंदर 10 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है जिसे धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में इसको बढ़ाकर 50 करोड़ इसको कर दिया जाएगा। तो वो लोग कौन हैं? तो दोस्तों वो लोग हैं जो बेघर हैं, निराश्रित लोग हैं, जिनके घर में आजीविका का कोई साधन नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार हैं, SC ST लोग हैं और काफ़ी गरीब अवस्था में हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर सीधे सीधे लाभ पहुँचाने का जो है प्रण लिया गया है सरकार के द्वारा, अगर कभी उनको किसी अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ता है। दोस्तों सबसे पहली बात ये कि इस योजना का लाभ आपको जब भी मिलेगा अगर किसी अवस्था में आपको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तो अगर ऐसी कोई आपको बीमारी या कोई तबीयत खराब हो रही है जो आप बाहर से दवाई लेके ठीक हो सकते हैं तो उसमें आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी अवस्था में हॉस्पिटल में एडमिट कराने की जरूरत पड़ती है तो जो भी खर्चा होगा आपका हॉस्पिटल में एडमिट करने से एक हफ्ते पहले से लेकर और आपके डिस्चार्ज के बाद तक का जो भी खर्चा होगा वो भारत सरकार जो है वो उठाएगी इस योजना के अंदर अगर आप आते हैं। तो इस योजना को आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके बारे में लोग पूछते हैं, तो इस योजना को देखिए अप्लाई नहीं करना है। इस योजना में आपको किसी भी तरह का कोई आपको एप्लीकेशन नहीं भरनी है, लोगों को कई बार ये गलत बता दिया जाता है, तो दोस्तों इसमें ऐसा कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है, इसमें ऑटोमेटिक ही लोगों को इनमें शामिल किया गया है और 2011 की जो जनगणना लिस्ट थी उसके आधार पर इसमें लोगों को लाभ मिलेगा। अब आप पूछना चाहेंगे कि फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा नाम लिस्ट में है या नहीं, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर आरोग्य मित्रों को भी अभी भर्ती किया जाना है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आधार सेंटर खोले गए थे और आधार सेंटर पे आपको ई मित्र मिलते थे, वो आपके आधार बनाते थे, इसी तरह से इसमें भी आरोग्य मित्रों की भर्ती की जाएगी और वो आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। दोस्तों इस योजना के अंदर आरोग्य मित्रों की बहुत ही बड़ी भूमिका होगी। मान लीजिए जब आपको कभी या आपके परिवार में किसी, क्योंकि देखिए इस योजना का लाभ जो है वो पूरे परिवार को ही दिया जाएगा, किसी एक व्यक्ति को नहीं। अगर आपका परिवार गरीब है, आपको आपका नाम अगर इस लिस्ट में है 2011 की जनगणना लिस्ट में है, तो आपका पूरा परिवार ही इस योजना का लाभ ले सकता है। और मान लीजिए कभी किसी को अगर ज़रूरत पड़ती है, अगर उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, तो आपको करना क्या है, आपको आरोग्य मित्र के पास जाना है। आरोग्य मित्र के पास आप जाएंगे तो वो आपका नाम, आपका आधार नंबर और आपका राशन कार्ड लेकर या आपका मोबाइल नंबर से भी वो सर्च करके देख सकते हैं कि आप इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने के लिए आते हैं या नहीं। तो वो आपका नाम वहाँ पर चेक करेंगे, अगर उन्हें वहाँ पर दिखता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं यानी कि योग्य हैं, तो वो आपको एक कार्ड बनाकर दे देंगे और उस कार्ड को आप हॉस्पिटल में लेके जाएंगे और उस कार्ड से आपको फ्री में इलाज मिलेगा 5 लाख रुपये तक का। यानी कि आपको सबसे पहले क्या करना काम करना पड़ेगा, आपको आरोग्य मित्र के पास ही जाना पड़ेगा और वो वहाँ से वेरीफाई करके बताएंगे कि आप इसके लिए मतलब योग्य हैं या नहीं। उसके बाद आपकी पहचान की जाएगी, पहचान के लिए आपके आधार कार्ड और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राशन कार्ड या मोबाइल नंबर की आपकी पुष्टि की जाएगी और उनको वेरीफाई किया जाएगा।
क्योंकि इसमें वेरीफाई करने के लिए आपका मोबाइल नंबर भी आपका यूज़ कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, और अपने आधार नंबर से भी आप ये पता कर सकते हैं कि आप इस योजना के लिए लाभ लेने के लिए योग्य हैं या नहीं। उसके बाद आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट है आप अपने हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसके बाद आपका इलाज कर दिया जाएगा, उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और जो पेमेंट जो होगी वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के तरफ से यहाँ पर पेमेंट कर दी जाएगी। तो इस तरह से तो आपको इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी बात, अब इसमें लोग पूछेंगे कि इसमें किन किन लोगों को लिया गया है या किन किन लोगों को नहीं लिया गया। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो गरीब लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, उनको तो डायरेक्ट इस योजना में शामिल कर लिया गया है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके आधार पर 10 करोड़ लोगों को इसमें लाभार्थी ऑलरेडी बना दिया गया है। गरीब लोग वो जिनके पास घर नहीं है, कच्चे घरों में रहते हैं और कमाई का कोई साधन नहीं है, घर में कोई वयस्क पुरुष नहीं है जो कमा सके घर में, और मान लीजिए कोई अकेली महिला है या कोई बुजुर्ग दंपत्ति, बुजुर्ग परिवार है या कोई बच्चे ही हैं घर में, तो इस तरह के लोगों को तो डायरेक्ट शामिल कर लिया गया। जैसे कूड़ा बीनने वाले हैं या मजदूरी वाले हैं, इस तरह के लोगों को। और जिन्हें शामिल नहीं किया गया वो क्या हैं, जिनके घर में सरकारी नौकरी वाले हैं या कोई अलग से कोई काम करते हैं या 10-20 हज़ार रुपये तनख्वाह किसी के घर में आती है या कोई पक्के मकान में रहता है या किसी के घर में 2-व्हीलर 4-व्हीलर अगर किसी के घर में है या अगर किसी के घर में लैंडलाइन फ़ोन है, तो इस तरह की कुछ कंडीशन है जिनको लाभ नहीं दिया जाएगा अगर इनके पास ये सारी सुविधाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी एक वीडियो जिसमें मैंने आपको आयुष्मान भारत योजना की कुछ बातें बताई। दोस्तों, जानकारियां बहुत सारी हैं और आपके सवाल भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास टाइम कम है और सारी जानकारी एक ही वीडियो में दे पाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो मैं अपनी अगली वीडियो में आपके सारे सवाल या जो भी इस योजना की सारी बारीकी जो है वो सब आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आप किस तरह से आयुष्मान भारत योजना की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं, किस तरह से आप हॉस्पिटल के सारी चीज़ें आप पता कर पाएंगे कि आप किस तरह से हॉस्पिटल में एडमिट होंगे या किस तरह से आप आरोग्य मित्र के पास जाएंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि किन लोगों को इस योजना में डायरेक्ट शामिल किया गया है और किन लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया है। ये सारे टॉपिक के ऊपर मैं अपनी अगली वीडियो लेकर आने वाला हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर सब्सक्राइब के लाल निशान के ऊपर टच करके, ताकि आप उन वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही काम का है और इसमें आप 5 लाख रुपये तक का लाभ ले सकते हैं अपने परिवार के लिए। और घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिएगा ताकि आपको हमारी बनाई हुई नई नई वीडियो लगातार मिलती रहें। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।